नमस्कार दोस्तों, लर्न हिस्ट्री में आपका स्वागत है। सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह गद्दी पर बैठे। आराम शाह का ऐबक के साथ क्या रिश्ता था ये स्पष्ट नहीं है। कुछ इतिहासकार उसे ऐबक का पुत्र मानते हैं। सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह के दरबारी फारसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने अपनी किताब तबाकत ए नसीरी में कुतुबुद्दीन के केवल 3 पुत्रियों का जिक्र किया है। इतिहासकार अता मलिक जुआइनी ने अपनी किताब तारिके जहां गुसाई में लिखा है कि ऐबक का कोई पुत्र नहीं था। अगर आराम शाह कुतुबुद्दीन का पुत्र होता तो मिन्हाज ए सिराज या अता मलिक में से कोई अपनी किताब में इस बात का जिक्र अवश्य करता। अब आराम शाह सुल्तान कुतुबुद्दीन के पुत्र थे कि नहीं यह बात तो स्पष्ट नहीं है, मगर आराम शाह के कुतुबुद्दीन के साथ कोई ना कोई रिश्ता अवश्य था, जिस कारण ऐबक की मृत्यु के बाद वो सुल्तान बना। आराम शाह का गद्दी पर बैठना दिल्ली सल्तनत के दूसरे आमिरों को पसंद नहीं आया, जिस कारण उन सब ने विद्रोह कर दिया। आमिरों ने इल्तुतमिश को अपना नेता चुना। इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज के अनुसार इल्तुतमिश काफ़ी होनहार और होशियार बालक था, जिस कारण उसके भाई उससे जलन रखते थे और इसी कारण उसके भाइयों ने उसे बेच दिया। सिराज आगे लिखते हैं कि इल्तुतमिश को बुखारा नामक शहर में लाया गया और उसे वहाँ के सदर ए जहाँ को बेच दिया। सदर ए जहाँ वो व्यक्ति होता था जो धार्मिक कार्यों को देखता था। यही से इल्तुतमिश को धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ने लगी। वो काफ़ी समय सूफी संतों के साथ बिताने लगा। बाद में सदर ए जहाँ ने इल्तुतमिश को एक व्यापारी के हाथों बेच दिया। अलग अलग मालिकों के हाथों बिकते बिकते इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के पास पहुँचा। कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इस कारण इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम कहलाया। इल्तुतमिश बड़ा ही प्रतिभाशाली व्यक्ति था। सन 1200 में कुतुबुद्दीन ने इल्तुतमिश को ग्वालियर का आमिर बनाया और बाद में उसे बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कराया। सन 1210 में आराम शाह को हराकर इल्तुतमिश सुल्तान बना और दिल्ली को राजधानी बनाया। भले ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी, परंतु दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा गया है, क्योंकि ऐबक ने लाहौर से शासन किया था और दिल्ली को राजधानी बनाकर शासन करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था।